मेरी तरफ से सलाम भाई। शबीर साहब आए ने मेरे पास और मेरी बच्ची नू जबरदस्ती गवाह करके रखा गया है। मेरी बच्ची जो है वो 4-5 महीने हो चले ने, तो लिहाजा शबीर साहब भी मेरी मदद कर रहे ने। मेरी तमाम मसीह बरादरी के अपील है कि इनके नाल मिल के इनके साथ दें मेरा, तो मेरी बच्ची नू आज़ाद किया जाए। तो लिहाजा जो आप में मैंने केस किया हुआ था वो जज भी सारे साहबान जज जितनी पुलिस है वो सारी मुखालफ पार्टी के साथ है। तो लिहाजा मेरी ये इल्तजा है मसीह अवाम अगे कि शबीर साहब मेरी मदद कर रहे हैं, इन्हें मिल के तो मेरी मदद की जाए तो मेरी बेटी को आज़ाद करवाया जाए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। आज हम एक बार फिर भाई अमजद कैन पे आए हैं, क्योंकि बात यह कि हम तो इसलिए थोड़े बैक पे थे क्योंकि कराची से एक NGO है, एक चर्च की NGO है, उनके उन्होंने वकील दिए थे, लेकिन अब मुझे उन्होंने बताया कि हम 4 पेशियाँ होंगी, वकील कराची से नहीं आ रहे, हम फोन भी कर रहे हैं उनको लेकिन वो फोन भी नहीं अटेंड कर रहे। तो मसला ये कहने का है कि बच्ची ने अपनी वालदा को फोन किया है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे इन्होंने जबरदस्ती ये रखा हुआ है और मुझे मारते भी हैं, मैं बाहर जाने की कोशिश करके मुझे निकलने नहीं देते। तो मैं तमाम मसीही अवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ दें ताकि बच्ची को बाजियाब किया जाए, क्योंकि ये जो है ये एक अल्जाम लगा देते हैं कि ये बच्ची अपनी मर्जी से गई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब क्रिश्चियन बच्ची को कोई ये मुस्लिम लेके चला जाता है तो वो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं, पुलिस भी खुश हो जाती है, अदालत की भी सपोर्ट हो जाती है, और अगर कोई क्रिश्चियन लड़का जो अगर मुस्लिम लड़की के साथ अपनी मर्जी से भी हो जाएगी तो ये लोग उस क्रिश्चियन फैमिली को मार मार के उनका बेड़ा गर्क कर देंगे और लड़की को बाजियाब कराते हैं। लेकिन यहाँ जो मसला है कि बच्ची ने खुद कहा है, अधिकारी मैंने अदालत में भी कहा है, लेकिन मुझे जज ने कहा कि नहीं आप अभी अपने माँ बाप के साथ ही जाएंगे। तो वो बंदा जो बशीर कम्बो है जो हब के अंदर है वो असर सूख रखता है, तो उस क्योंकि यहाँ के जितने सहाफी हजरात हैं दोनों जो लसबेला प्रेस क्लब और हब प्रेस क्लब उसके दोनों के अजीज जो है वो इसके अहदेदार हैं, इसलिए हब से कोई खबर भी नहीं इनकी निकलती बेचारों की, वो इसलिए उस बंदे को इस तरह से भी सपोर्ट है, पुलिस की भी सपोर्ट है, अहलिया की सपोर्ट है, तो यही वजह है। तो हम चाह रहे हैं कि आप जो है अपनी दुआओं में याद रखें, इस फैमिली को जो है हम सपोर्ट करें ताकि ये अपनी बच्ची को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाए, ताकि अंदर से कोई ऐसा ना करे, जब भी ऐसा हो हम मिलकर करें। और मैं उस NGO से भी कहता हूँ कि जब आप आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो फिर आप आए काम को पूरे मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, उसको बीच में ना छोड़ दिया करें, क्योंकि याद रखें जब खड़े होना है तो फिर खड़े हो उनके साथ, हम इनके साथ शुरू से है, आज भी हम इनके साथ हैं। तो आप सबसे इल्तिजा है कि अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इस केस को दोबारा से इसको स्टार्ट करें और इस बच्ची की बाजियाबी के लिए कोशिशें जो खुदा उन्हें कामयाब करे। शुक्रिया।